नमस्कार दोस्तों, येली सोसाइटी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि सीएससी आईडी फिजिकल वेरिफिकेशन ना होने के कारण बहुत सारे येली भाइयों की डिलीट हो रही है, और ऐसे में बहुत सारे येली भाइयों ने मुझे मेल करके बताया है कि उनका सीएससी आईडी जो है ब्लॉक हो गया है फिजिकल वेरिफिकेशन ना होने के कारण। और उसके भी पीछे बहुत सारे रीजन है कि कहीं पे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की वजह से नहीं हो पा रहे हैं और कहीं पे वीएलईस को इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो आज इस वीडियो में मैं पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं कि अगर आप एक सीएससी वीएलई हो तो कैसे आपको पता चलेगा कि आपका फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ है या नहीं हुआ है, और अगर आप एक नए वीएलई हो तो आपको फिजिकल वेरिफिकेशन करवाने के लिए क्या करना है, और अगर आप पुराने वीएलई हो तब आपको किस तरीके से करवाना है, और कैसे आपको फिजिकल वेरिफिकेशन वाला फॉर्म डाउनलोड करना है, क्या क्या चीजें लगा के आपको अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के पास देना है, और कैसे वो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर आपके सेंटर पे आएंगे फिजिकल वेरिफिकेशन करने के लिए, और फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए क्या जरूरत है, कौन कौन सी सर्विसेस आपके सेंटर पे एक्टिव होनी चाहिए, क्या क्या चीजें होनी चाहिए जो आपके पास डिस्ट्रिक्ट मैनेजर आए ताकि आपका वो सेंटर फिजिकली वेरीफाई करके जाए और आपका सेंटर रिजेक्ट ना हो, आपकी आईडी बंद ना हो। ठीक है, ये सारी चीजों पे एक एक करके डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबाइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ बाकी दोस्तों पहुंचाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक वीएलई सोसाइटी मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, बिल्कुल करना मत भूलिएगा, क्योंकि वहां से आप डायरेक्टली हमारे साथ बातचीत कर सकते हैं और बाकी वीएलई भाइयों के साथ में भी डिस्कशन कर सकते हैं कि अगर आपको कोई सर्विस में कोई दिक्कत आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसका सोल्यूशन किस तरीके से आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी दोस्तों बात करते हैं कि सीएससी फिजिकल वेरिफिकेशन की आवश्यकता क्यों है और ये चीज क्या है। ठीक है, तो दोस्तों फिजिकल वेरिफिकेशन, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा होगा कि फिजिकल वेरिफाई होगा आपका सीएससी सेंटर, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि सीएससी के माध्यम से आजकल बहुत सारी सरकारी प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं, जैसे ई श्रम का वाला ही काम है या और भी कई तरीके के काम किए जा रहे हैं जो सरकार के साथ में होते हैं। और ऐसे में जैसे बैंकिंग का ही काम अगर हम देख ले तो वहां पे कई जगह पे आता है कि पता चला कोई, हालांकि हम ये नहीं कहते कि सारे वीएलई ऐसा करते हैं, लेकिन जो है कहीं ना कहीं पे छुटपुट कोई आके लोग जो है गड़बड़ी करते हैं, जिसके कारण बाकी सीएससी वीएलई भाइयों को भी समस्या होती है। और जब सीएससी वीएलई के खिलाफ जो है, या कहने उस वीएलई के खिलाफ या ऐसे ही कोई जो समस्या करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ सरकार कोई एक्शन लेती है, सीएससी कोई एक्शन लेती है, पुलिस कोई एक्शन लेती है, तो उनकी आधी अधूरी जानकारी या गलत जानकारी के कारण कई बार वो बच जाते हैं। ऐसे में सीएससी ने स्ट्रिक्ट रुख अपनाते हुए क्या किया है कि हर एक सीएससी सेंटर पर जाके हमारा डिस्ट्रिक्ट मैनेजर जो भी है सीएससी के ऑफिशियल्स हैं वो जाके वो सीएससी सेंटर की फोटोज खींचेंगे, वेरीफाई करेंगे, देखेंगे कि कहाँ पे कौन कौन सी चीजें अवेलेबल हैं, और एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट प्रूफ जो है उसको देख के फिर उसका सेंटर फिजिकली वेरीफाई करेंगे। ठीक है, कि वहां पे कौन कौन सी सर्विसेज अवेलेबल हैं उनको टिक करेंगे, वही चीजें जो सीएससी के इंटरनल टीम है या बाकी जो पोर्टल्स रहेंगे गवर्नमेंट पे वहां पे दिखाई पड़ेगी कि सीएससी सेंटर पे ये चीजें अवेलेबल है। ठीक है, तो इस सीएससी सेंटर को वेरीफाई करवाने के लिए आपको क्या करना होता है कि आपके जो भी सीएससी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं उनको कॉल करके अपने सेंटर पे, हालांकि वैसे तो उनके पास खुद ही डिटेल पहुंच जाता है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी सीएससी सेंटर है जिनका फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं हुआ है होना है, लेकिन कई बार होता है कि उनको एग्जैक्ट लोकेशन ना पता चल पाने के कारण या फिर जो है कॉन्टेक्ट नंबर बात ना होने के कारण कई बार सीएससी वीएलई के साथ सेंटर वेरीफाई नहीं हो पाते। तो इसमें क्या करना है, अगर आप एक सीएससी वीएलई हो, मैंने आपको नीचे नंबर दे दिए हैं, सीएससी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के लिंक पे जाओगे आप तो वहां से आपको अपना डिस्ट्रिक्ट और स्टेट सेलेक्ट करके अपने जिले के सीएससी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के नंबर निकाल लीजिएगा, उनसे बात करके बताइएगा कि सर फला फला जगह पे हमारा सीएससी सेंटर इतने दिन से चल रहा है, या फिर जो है हमने अभी नया सीएससी आईडी लिया हुआ है या इसके लिए अप्लाई किया है, इसको आप जो है फिजिकली वेरीफाई कर दें ताकि हमारा सीएससी आईडी चलता रहे और आप जो है जान जाए कि कहाँ पे हमारा सीएससी सेंटर है और क्या सर्विसेज हमारे सेंटर किस तरीके का है बेसिकली। ठीक है, तो फिर आपके जो भी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं उनको जब भी आपके उधर रूट होगा, जब भी उनको टाइम होगा, उस टाइम दरमियान में आपके सेंटर पर विजिट करेंगे और वहां पे अभी मैं जो डाउनलोड लिंक दे रहा हूँ फिजिकल वेरिफिकेशन फॉर्म का और जो जो चीजें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो चीजों का एक सेट बना के रख लीजिएगा, और बाकी वो सेंटर पे आएंगे जो जो डिवाइसेस आपके सेंटर पे होनी चाहिए फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम वो मैं आपको बताए दे रहा हूँ। तो जैसे कि आप जो सीएससी सेंटर लेते हैं तो वहां पे आपको बताया जाता है एक कंप्यूटर आपके पास होना चाहिए और आपके पास एक पावर बैकअप यूपीएस वगैरह होना चाहिए, प्रिंटर होना चाहिए और कलर प्रिंटर भी होना चाहिए, वेबकैम, डिजिटल कैमरा और फिंगरप्रिंट स्कैनर, इस तरीके की चीजें, बेसिक जो चीजें हैं वो होनी चाहिए, और एक सीएससी का बोर्ड आपके सेंटर पे लगा होना चाहिए। डाउनलोड लिंक दे दिया, वहां से अगर बोर्ड नहीं लगा हुआ है आपके पास डाउनलोड करके जो कॉमन ब्रांडिंग वाला बोर्ड है सीएससी का नया वाला वो वाला आप लगवा लीजिएगा। ठीक, ये इतनी चीजें लगी होनी चाहिए। प्लस आपको क्या करना है
सीएससी की कुछ रिक्वायर्ड सर्विसेज हैं। जब भी आप नया सीएससी आईडी लेते हैं तो वहां पे आपको कुछ सर्विसेज में काम करने के लिए बोला जाता है, एक्टिव होने के लिए बोला जाता है कि इन सर्विसेज में आपको काम करना जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहली जो चीज है वो है आपका सीएससी का डिजी पे। इस एप्लीकेशन पे आपको अगर आप एक सीसी वैल्यू हो 100% एक्टिव होना है, क्योंकि इसी पे गवर्नमेंट की जो भी पेमेंट आएंगी, सीसी के साथ में कुछ भी काम करेंगे पेमेंट इसी में आएगा। प्लस आपको अगर ग्राम पंचायत में है जो पीएमजी दिशा में भी आपको काम करना अनिवार्य होता है। प्रधानमंत्री श्रम मानधन योजना सभी के लिंक दे दिए हैं, वहां से जाके चेक कर लेना। और आपका पीएमजेवाई आयुष्मान भारत वाला काम हो गया, आईआरसीटीसी सीएससी बैंकिंग सर्विसेज हो गए, और आपका यूपीपीसीएल बिल कलेक्शन यानी कि बिजली बिल वगैरह जमा करना, पैन कार्ड, इंश्योरेंस, हेल्थ सर्विसेज, इन सभी में आपको काम करना जरूरी होता है। तो एक एक केस जरूर जाके एक्टिवेट कर लें अपनी आईडी अगर आप एक नया सीएससी वैली हो और फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को बुला रहे हैं। ठीक है, अभी बात करते हैं अगर आप एक नए सीएससी वैली हो या आपका आईडी अभी तक बना नहीं है, तब भी आपको ये फिजिकल वेरिफिकेशन पहले होता था कि सीएससी आईडी आप फोटो जो अपलोड करते थे उस पर अप्रूव हो जाती थी। लेकिन अभी जो वैली है नए, उनको सीएससी सेंटर अप्लाई करते समय फोटोज नहीं मांगी जाती हैं सीएससी सेंटर की। वो इसलिए नहीं मांगी जाती है कि जब आप अप्लाई करोगे सीएससी का डिस्ट्रिक्ट मैनेजर आपके सेंटर आके देखेंगे और अगर आपका सब कुछ प्रॉपर है तभी अप्रूवल मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे में अगर आप एक सीएससी वैली हो, आपने सीएससी सेंटर के लिए अप्लाई किया है, अभी तक आपका अप्रूव नहीं हुआ है, तो आपको भी सेम प्रोसेस है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से कांटेक्ट करके उनको अपने सेंटर पे इनवाइट करना है, या जो जो डॉक्यूमेंट्स वो बताए हैं वो डॉक्यूमेंट का एक हार्ड कॉपी बना के आप अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के पास में जमा कर देंगे। वो फिर जब उनको टाइम होगा जिस प्रोसेस से होगा वो आपके सेंटर पे विजिट करेंगे और आपके सेंटर का फिजिकल वेरिफिकेशन कंप्लीट करेंगे और आपका आईडी जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के पास जो आपको जमा करनी चीजें इनसाइड आउटसाइड सेंटर की फोटो है और जो भी डॉक्यूमेंट आपने लगाए हैं एप्लीकेशन रिसीप्ट, ये सारी चीजें आपको देनी है वहां पे। ठीक है, अभी बात करते हैं कि आपको जो ये फिजिकल वेरिफिकेशन सर्विस, जैसे कि आपको मैंने बताया कि नहीं होने के कारण बहुत सारे सीसी वैली की आईडी बंद हो गई है और ऐसे में बहुत सारे वैली चिंता में हैं कि उनका हुआ है नहीं हुआ है कैसे पता करें। तो दोस्तों इंटरनेट पे आप ढूंढोगे तो बहुत 100 तरीके मिल जाएंगे आपको कि इस तरीके से देखिए इस तरीके से देखिए, लेकिन क्लियर कहीं पे भी आप क्लियर कट नहीं बताया गया है कि फिजिकल वेरिफिकेशन स्टेटस आप कैसे चेक करोगे। ठीक है, इसका एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है लेकिन वो इस वीडियो में क्लियर नहीं आ पाएगा, इसलिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। लेकिन मैं सबसे आसान तरीका आपको बताया दे रहा हूँ कि कैसे आप पता कर सकते हो आपका सेंटर का फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप एक सीएससी वैली हो तो आपके सेंटर पे कभी ना कभी सीएससी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर आए होंगे। अगर आए हैं और उन्होंने आपके सेंटर पे इनसाइड आउटसाइड फोटो आपको खड़े करके खींची है और आपसे पैन कार्ड वगैरह की डिटेल मांगी है, तो आप मान सकते हैं 90% कि आपका सीएससी सेंटर फिजिकल वेरिफिकेशन हो गया है। लेकिन फिर भी आप सिक्योरिटी के लिए अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से कंफर्म कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं कि सर हमारे सीएससी सेंटर का वेरिफिकेशन हो चुका है फिजिकल वाला या नहीं हुआ है, अगर नहीं हुआ है तो सर उसके लिए कब आ रहे हैं हमारे सेंटर पे। इस तरीके से आप थोड़ा सा जो है आप उनसे बात करके अपने सीएससी सेंटर का फिजिकल वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। और अगर आप एक नए सीएससी वैली हो, आपको सिर्फ सीएससी आईडी मिल गया है, तब से कोई सीएससी सेंटर से या सीएससी की तरफ से आपके सेंटर पर कोई नहीं आया है, तो आप जो है थोड़ा सा एक्टिव होइए, सीसी के जो भी डिस्ट्रिक्ट के ग्रुप्स हैं उनमें ज्वाइन हुई है, नहीं है आप तो वो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से कांटेक्ट करके आप ज्वाइन हो जाइए। और अगर आपको कोई भी सीसी से संबंधित जानकारी चाहिए तो आप हमारे वीएली सोसाइटी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीएली सोसाइटी मोबाइल को भी आप अपने मोबाइल में जरूर रखिए ताकि सीएससी से संबंधित जो भी नया अपडेट आता है वो आपको पता चल जाए। क्योंकि दोस्तों ये अप्रैल के समथिंग ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि सीएससी फिजिकल वेरिफिकेशन जो भी सीएससी से आईडी का नहीं होगा वो डिलीट कर दी जाएंगी, और अभी आते आते अक्टूबर नवंबर में आईडी डिलीट की गई है। तो ऐसे में दोस्तों काफी लंबा टाइम था लेकिन वीएलईस को नहीं पता चला या नहीं उनको जानकारी था, जिसके कारण बहुत सारे वीएलई का आईडी डिलीट हुआ। आईडी डिलीट के होने के बाद बहुत लंबा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है कि किसी का रेयर केस भी होता है कि दोबारा से आईडी एक्टिवेट हो जाए। तो ऐसे में दोस्तों आपसे इसे यही है कि जो भी गाइडलाइंस आती हैं, जो भी चीजें आती हैं उसके अकॉर्डिंग अडॉप्ट करते रहिए और वो चीजें करके अपना जो है पोर्टल अच्छे से चलाते रहिए और लोगों की सेवा करते रहिए और अपनी भी आजीविका कमाते रहिए। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों आज का ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, काफी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। कुछ भी सवाल है, कुछ पूछना चाहें तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।